सब्सक्राइब करें अल्बर्ट ब्रीडिंग एंड केयर टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद इकबाल, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल अल्बर्ट ब्रीडिंग एंड केयर टिप्स पर। दोस्तों, आज मैं काले तीतर चकरी के ऊपर हूं, ये डिस्ट्रिक्ट लैया में लगी है। ये 30 अगस्त बरोज जुम्मतुल मुबारक, ये देखें अब तकरीबन दिन के 12:30 बज रहे हैं, ये चक्री स्टार्ट हो चुकी है और पहला राउंड चल रहा है। ये देखें दोस्तों, अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए। ये चक्री लैया से थोड़ा आगे कालू शाह के जो तीतरबाज है उसके देरे पर लगी हुई है। ये देखें तकरीबन पहला राउंड स्टार्ट हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन इसके अंदर 120 से 125 तीतर रखे हुए हैं और ये इसी सीज़न की लास्ट चक्री है। ये देखें कुछ तीतर उठाए भी जा रहे हैं। ये फर्स्ट राउंड है, तकरीबन फर्स्ट राउंड ये 12:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। ये देखें क्योंकि मैं इससे कुछ जो वीडियो के जो कुछ हिस्से हैं मैं स्किप कर दूंगा ताकि मैं पूरी वीडियो आपको दिखा सकूं, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको कुछ टाइम आपका ज़ाया भी हो सकता है। ये देखें माशाल्लाह से जो तीतर इसमें पड़े हुए हैं काफ़ी विनर तीतर हैं, जो कोटा दूर जो चक्री हुई थी ये उसमें भी विनर थे। ये देखें माशाल्लाह से अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, ये आप देखें ये तीतर उठाए जा रहे हैं कुछ। ये इसी सीज़न की लास्ट चक्री है क्योंकि इसका सीज़न ख़त्म हो चुका है, अब तकरीबन नेक्स्ट ईयर अगले साल ये चक्री स्टार्ट होंगी। ये देखें ये लैया बामकाम कालू शाह उसी के देरे पे लगी हुई है ये चक्री। ये देखें तकरीबन इसमें 120 से 125 तीतर रखे हुए हैं जो कि विनर तीतर भी हैं, जो पिछली दफ़ा कोटा दूध चक्री में जीते थे वो भी इसके अंदर हैं। ये देखें आप नज़र आ रहे होंगे ये तकरीबन जो है ये 120-125 तीतर रखे हुए हैं क्योंकि लास्ट सीज़न है, इसके अंदर ज़्यादा तीतर नहीं है। जो पिछली दफ़ा कोटा दूध चक्री लगी थी उसके अंदर तकरीबन 350-400 तीतर रखे हुए थे। इसकी जो इंट्री फीस है वो भी कम है, तकरीबन 400 के करीब है। माशाल्लाह से तकरीबन ये एक बज रहा है, अब एक बजे के करीब है जो फर्स्ट राउंड है वो जा रही है। ये फर्स्ट राउंड तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक चलेगा, उसके बाद इसको रेस्ट होगा 2 घंटे के अंदर। अभी तकरीबन फर्स्ट राउंड ख़त्म होने में अभी 1 से 1.5 घंटा तकरीबन रहता है। ये देखें काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं और देखें तीतर अभी कुछ उठा लिए गए हैं, तकरीबन 3 से 4 तीतर अभी उठाए हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ तीतर हल्के हो चुके हैं। इसमें विनर तीतर भी काफ़ी मौजूद हैं जो कोटा दूध चक्री में जीते थे, तकरीबन 8 जो फर्स्ट जो 8 तीतर आए थे वो भी इसके अंदर मौजूद हैं।
और जो बखर के तीतर हैं, एक चक्री बखर में भी लग रही है, वो भी आज ही लगी हुई है। और ये एक चक्री जो पिछले जुम्मे लगी थी वो लैया में, वो भी काफ़ी जो है बड़ी चक्री थी, उसमें मैं अपडेट नहीं कर पाया था। माशाल्लाह से ये लास्ट चक्री ऐसी सीज़न की। देखिए अभी भी कुछ तीतर हैं जो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट जो राउंड जा रही है। चलिए दोस्तों, मैं आपको वो विनर तीतर दिखाता हूँ जो पिछली चक्री में विन किया था, तकरीबन ये तीसरे नंबर पर आया था। अभी आपको मैं वही तीतर दिखा रहा हूँ, ये जो आपको ब्लैक पिंजरे में नज़र आ रहा है, ये देखें, ये माशाल्लाह से सामने ये वाला तीतर, ये पिछली जो लैया में चक्री हुई थी तीतर चक्री, उसमें ये थर्ड पोजीशन में आया था। जो फर्स्ट पोजीशन में आए थे वो तकरीबन दरमियान में पड़े हुए हैं। माशाल्लाह से काफ़ी बोली कर रहा है ये तीतर, ये देखें। ये पिछली जो चक्री हुई थी लैया में, ये उसमें थर्ड पोजीशन में आई थी। चलिए दोस्तों, अब जो है फर्स्ट राउंड ख़त्म हो चुका है, अब तकरीबन फाइनल राउंड स्टार्ट होगा। मैं आपको फाइनल राउंड में ही आपसे मिलेंगे, तकरीबन फाइनल राउंड में। दोस्तों अब रेस्ट के बाद अब टोकन लगाए जा रहे हैं, ये देखें, ये 120 का टोकन नंबर मेरे हाथ में है, ये सियात इतर चक्री, ये देखें, ये आपको दिखाते हैं, ये ज़िला लैया में है, ये देखें, इसके ऊपर हलफनामा वगैरह लिखा हुआ है, इस जो इनकी आवाज़ें हैं वो काउंट की जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह, क्योंकि अभी राउंड शुरू नहीं हुआ, अभी कुछ देर बाद ही, तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद इनको टोकन लगाना स्टार्ट करेंगे, और जो गिनती होगी वो 5 बजे से 6 बजे तक की, जो एक घंटा होगा उसमें गिनती होगी। ये देखें, ये तकरीबन अब मुकम्मल राउंड, जो फर्स्ट राउंड था मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, अब फाइनल राउंड स्टार्ट होगा। जो भी टोकन लगेंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये देखें दोस्तों, ये तकरीबन जो है फाइनल राउंड स्टार्ट होने में 15 से 20 मिनट अभी बाकी हैं, और टोकन तकरीबन आधे जो तीतर हैं उनको टोकन लग चुके हैं। ये आपके सामने जो कालू शाह साहब हैं, जिसने चक्री मुनक़द की हुई है, वो टोकन लगा रहे हैं आपके सामने, ये देखें। ये तकरीबन 50 से 60 तीतर को टोकन लग चुके हैं, अब तकरीबन 90 तीतर बाकी हैं, बाकी जो 15 से 20 तीतर थे उसने उठा लिए हैं, 20 से 25 तीतर उठा लिए होंगे। ये आपके सामने जो तीतर बचे हुए हैं इनको टोकन लगाए जा रहे हैं, और चक्री स्टार्ट होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट अभी भी बाकी हैं, और चक्री जो गिनती होगी इसकी वो तकरीबन 5 बजे से 6 बजे तक की होगी, जिसमें इनकी जो आवाज़ें हैं वो काउंट की जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह से, तकरीबन जो ही गिनती स्टार्ट होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये देखें बस थोड़े से ये रह चुके हैं, तकरीबन ये देखें 5 मिनट बाकी हैं जो इनकी गिनती स्टार्ट होने में, और ये टोकन तकसीम किए जा रहे हैं। अभी टोकन लगाए जा रहे थे, अब टोकन तकसीम किए जा रहे हैं माशाल्लाह से। ये टोकन उनको दिए जाएंगे जिनके तीतर हैं, या फिर उन भाइयों को दिए जाएंगे जो के साथ साथ, यानी कि जो तीतर रखे हुए हैं उनके जो साथ वाले बैठे होंगे उनको दिए जाएंगे, ताकि
जो भी तीतर आवाज़ें करेंगे वो इसके ऊपर निशान लगाते जाएंगे। मैंने अभी आपको इसका जो पेपर है वो भी दिखाया था, अभी मैं दोबारा भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह के होते हैं। ये देखें, इसके ऊपर आवाज़ें काउंट की जाएंगी, ये नंबर लिखे हुए हैं, इसके ऊपर निशान लगाते जाएंगे और टोकन नंबर भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, मालिक का नाम भी लिखा जाएगा। इस तरह इसकी आवाज़ें काउंट की जाएंगी। ये देखें, ये टोकन अभी तकरीबन उठाया जा रहा है। ओहो दोस्तों, पुलिस का छापा लगा है, ये देखें पुलिस आ गई और तीतरों को जो है उठा लिए हैं, और जो तीतर बाज हैं उनको भी पकड़ रही है। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें पुलिस वैन खड़ी हुई है, ये तकरीबन 10 से 12 तीतर इसने उठा लिए हैं और तीतर जो बाज हैं उनको भी उठा लिए हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारा जो खेल है वो 1 मिनट में ही ख़त्म हो गया है। ये देखें, जब भी पुलिस आई है और सारे तीतर उठा लिए गए हैं। ये देखें, ये पूरा का पूरा जो जगह है वो खाली हो गई है, बहुत अफसोस हुआ है। ये देखें, और उनको पकड़ के जो वैन है उसके अंदर डाल ली है। काफ़ी तकरीबन 10 से 12 तीतर को वैन में डाला है और जो तीतर बाज हैं 6-7 उनको भी पकड़ कर लेके जा रही है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा जो सिस्टम है वो खाली हो चुका है। ये देखें, ये लेके जा रहे हैं, ये सारे तीतर बाज जो हैं इधर उधर दौड़ गए हैं और ये कुछ जो हाथ लगे हैं उसके अंदर उसको पकड़ कर ये लेके जा रहे हैं। दोस्तों, ये किसका कसूर होगा, या इंतज़ामिया का होगा या वाइल्ड लाइफ वालों का होगा? इंतज़ामिया के ऊपर सारा कुछ जाता है कि उसने परमिशन नहीं ली होगी, और दूर दूर से जो बुलवाए गए हैं भाई उनको काफ़ी नुकसान हुआ होगा। ये देखें, ये तकरीबन 6 से 7 जो तीतर बाज हैं उनको लेके जा रही है और 7-10 से 12 तीतर भी लेके जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।